Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharata, I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 11. In chapter number 11, we were studying about the igneous rock. Today we will read our second type of igneous rock. Extrusive igneous rock. Its other name is volcanic rock. When the melted lava comes on the earth's surface. जब अर्थ की सरफेस से मेल्टन लावा बाहर आता है, एक कूल डाउन, ये ठंडा होता है, बिकम द सॉलिड फॉर्म ऑफ रॉक, और ये सॉलिड के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है. दीज टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक. इसे एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक कहा जाता है. दे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वल्केनिक रॉक. इसे वल्केनिक रॉक भी कहा जाता है. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर. का स्ट्रक्चर फाइन होता है. बेसॉल्ट इज द एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक. जो बेसॉल्ट है वो इग्नीशियस रॉक का एग्जांपल है. द डेकन प्लेट्यू ऑफ द इंडिया मेड अप ऑफ द बेसॉल्ट रॉक. जो डेकन प्लेट्यू है इंडिया का, वो बेसॉल्ट रॉक से मिलकर के बना होता है. दिस रॉक फॉर्म द ब्लैक सॉइल. ये रॉक जो है वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती है. विच इज़ द बेस्ट ऑफ द कॉटन कल्टिवेशन. जो कि कॉटन कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. सेडिमेंट्री रॉक. सेकेंड टाइप है सेडिमेंट्री रॉक. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट. ये सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनती है. ऑन द फ्लोर ऑफ द शोलो सी रिवर एंड द लेक. दी सेडिमेंट्री आर कैरिड बाय द विंड. और ये सेडिमेंट हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मूविंग आइस के द्वारा लाए जाते हैं. सेडिमेंट्स आर डिपोजिट लेयर अपॉन लेयर आर द हार्डन्ड बाय देयर ऑन वेट. सैंड एंड सैंडस्टोन लाइमस्टोन एंड चॉक क्ले एंड शेल लिग्नाइट कोल एंड द एंथ्रासाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है. मोस्ट ऑफ दिस रॉक कंटेन द फॉसिल. अधिकतर रॉक फॉसिल से मिलकर के बनी होती है. दे आर हार्डन्ड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. दिस रॉक्स आर इन मेनी वेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सीम्स ऑफ द कोल एंड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड from the remains of the forest which have been the submerged and they buried. Mineral oil is also formed from the remains of the animal and plant buried in the river deposition and load of the mud lakes in the sea. Mineral oil जो है उसका formation भी animal और plant के buried होने से होता है और ये मट में डिपॉजिट हो जाते हैं और लेक में डिपॉजिट हो जाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो कंटेनर मेटल. सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मेटल्स भी पाई जाती हैं. इन सम प्लेसेज द अलिवल डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड टिन हैव बीन माइंड. कुछ प्लेसेज में एलिवल डिपॉजिट गोल्ड और टिन भी पाया जाता है. द एनिमल सॉइल लेफ्ट बाय द रिवर इन द फ्लड. कुछ एनिमल सॉइल जो है वो फ्लड के द्वारा भी लाई जाती है. एंड ऑल्सो द सेडिमेंट्री फॉर्मेशन ऑफ द enrich the soil. Metamorphic rock. These are through the process of the metamorphism. ये metamorphism process द्वारा पाई जाती है. The term metamorphic means the alteration of the transformation. They are also involved the both physical and as well as the chemical change in the pre-existing rock. It take place when the rock are subjected to the high temperature and pressure. The origin mineral found in the rock are altered in the new minerals were formed due to the extreme pressure generate heat by the coming in the contact with the volcanic mineral. The joint in the rocks are present, the crystallization may occur. The rock ke joint jo rehte hain, the crystallization possible hai. The rock formed the more impact, harder or bulky than the original rock. Metamorphic rock may be the layers. Metamorphic जो रॉक है उसकी लेयर्स पाई जाती है विच हाईली कंप्रेस्ड. फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन दिस रॉक. फॉसिल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक आर द इम्परमिएबल. जो अधिकतर मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो इम्परमिएबल. द यूज ऑफ द रॉक दे आर वेरी यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. ये मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. दे आर यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग रोड ब्रिज हाउसेज. बिल्डिंग रोड ब्रिज हाउस बनाने में यूजफुल है. दे आर यूजफुल इन मेनी जेम्स ऑल्सो पोटास एंड द फॉस्फेट. दे आर यूज फॉर द सोर्सेज ऑफ केमिकल. दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं और ये केमिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. इस प्रकार हमने इसके यूजेस पढ़े हैं ना.
कल हम पढ़ेंगे हमारा रॉक साइकिल के बारे में। इसे मैं फोटो ले, वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।